गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा बॉक्स छोटू सा। ज़्यादा कुछ मैंने ऑर्डर नहीं किया, बस दो तीन चीज़ें करी थी। सबसे पहले है मेरे पास ये है इनसाइड का प्राइमर, हाइड्रेटिंग प्राइमर। ये ऐसे ब्लू कलर का, ये छोटा वाला लिया है मैंने। इसके दो साइज़ थे, एक ये 10 ग्राम वाला था और एक 30 ग्राम वाला था। तो मैंने ये 10 ग्राम वाला लिया है। ये 115 समथिंग का था। ये रहा बिल्कुल छोटू सा है और ये ब्लू कलर का है। थोड़ा सा सिलिकॉन टेक्सचर है इसका, बिल्कुल लाइट वेट है, मुझे अच्छा तो लगा है ये। बाकी अंडरनीथ मेकअप कैसा लगेगा मैं आपको बाद में इसका रिव्यू दे दूँगी। खुशबू भी आ रही है इसमें कुछ अलग सी। पैकेजिंग तो बहुत क्यूट है इसकी। देन गाइस, सेकंड मैंने ये लिया था इनसाइड का प्रो फैशनल फुल कवर कंसीलर, आलमंड ऑयल विटामिन ई ग्रीन टी एक्स्ट्रा। सो गाइस, ये है कंसीलर, ये है इनसाइड प्रोफेशनल फुल कवर कंसीलर। ये वाला शेड मैंने जो दिया है, ये है LN08 फॉर फेयर स्किन विथ न्यूट्रल अंडरटोन। सो इसकी क्वांटिटी गाइस ना 20 ग्राम है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी। इतनी क्वांटिटी किसी कंसीलर में नहीं मिलती है इतनी जल्दी से। तो ये काफ़ी क्वांटिटी है और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, 210 का है। और ये मैं आपको इसका मिनी रिव्यू भी दे देती हूँ कि ये थोड़ा सा ना, मतलब फुल कवरेज तो है, नो डाउट, बहुत अच्छा, मतलब कवरेज तो काफ़ी अच्छा है, बट ये इसकी पैकेजिंग में लीक हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये आप देख सकते हो। और ना ये क्या इसमें प्रॉब्लम है ना, कि ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। आपको सेकेंड्स में इसको ब्लेंड करना है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, सीमेंट की तरह एकदम वो हो जाएगा, सूख जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो आपको ना जैसे ही आपने लगाना, अंडर 5-10 सेकेंड्स आपको फटाफट ऐसे ब्लेंड कर देना है, तो ही ये ब्लेंड होगा, तो ही आप इसके साथ वर्क कर पाओगे। नहीं तो अगर आप सब जगह लगा कर छोड़ दोगे, सोचोगे कि मैं ब्लेंड कर लूँगी, तो नहीं होगा ऐसे। आपको यहीं पे एक साइड लगाना है, उसको ब्लेंड करना है, फिर दूसरे साइड लगा के फिर फटाक से ब्लेंड कर लो, तभी ये काम करेगा। और अच्छा है, अच्छा कंसीलर है, बट ये इसका थोड़ा सा मुझे कॉन लगा कि ये ब्लेंड, मतलब बहुत, बाकी तो नो डाउट बहुत अच्छा कंसीलर है ये। हाईली रिकमेंडेड है अगर आप ब्लेंड कर पाओ टाइम पे फटाफट तो। और अगर आपकी स्किल्स नहीं है मेकअप में, तो फिर आप मत लो इसे, क्योंकि ये सेट हो जाएगा, आप ब्लेंड ही नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। देन गाइज, मैंने एक थर्ड प्रोडक्ट लिया है, बस तीन ही प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट है। ये रहा एल्फ का मीडियम कवरेज फ्लॉलेस सेटिन फाउंडेशन। ना मैंने काफ़ी टाइम से फाउंडेशन नहीं लिया था ऐसे पार्टीज़ वगैरह के लिए, मेरा बहुत मन कर रहा था। मेरे ना काफ़ी सारे एक दो एक्सपायर्ड भी हो गए, तो मैंने सोचा यार कोई अच्छा तो ले लूँ, यार मैं जाना रहता है ना बाहर, तो फिर रहता नहीं है कोई अच्छा फाउंडेशन। मैं वही मार्स की बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ जब से, तो मैंने ये ले लिया एल्फ का ELF एल्फ। इसमें 20 ml की क्वांटिटी है, ये काफ़ी महंगा है वैसे, 550 का है ये। तो ये है इसमें, और ये वाला शेड मैंने लिया था फेयर आइवरी, यही शेड है ना, दिख ही नहीं रहा कहीं, हाँ लाइट आइवरी इसका शेड है। और ये ऐसी क्यूट सी पैकेजिंग में है और ये ग्लास बॉटल है, क्रुएल्टी फ्री है। और ये इसका छोटा सा पंप है, ये देख सकते हो, बहुत मक्खन है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे। आफ्टर मेबलिन फिटमी ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल मुझे ना मैट फाउंडेशन नहीं अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, मेरी भी स्किन थोड़ी वैसे हो जाती है, थोड़ी यू नो केकी थोड़ी होने लगती है, तो मुझे भी आजकल लुई फाउंडेशन ही अच्छे लगते हैं। ये काफ़ी डुई है, आप देख सकते हो सेटिन फिनिश है इसका, मतलब मीडियम डुई है, बहुत ज़्यादा ओवर डुई भी नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, नाइस। और शेड भी मैंने लकीली, मतलब बहुत मैंने सोचा यार कौन सा लूँ कौन सा लूँ, फिर मैंने नीचे उसके इमेजेस देखे थे, फिर उसके हिसाब से फिर मैंने ऑर्डर किया था। ये था मेरा मिनी नाइका हॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बाय।